हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज हम सीखने वाले हैं वर्ड पैड। जैसे कि वर्ड पैड जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक प्रोग्राम होता है। विंडोज़ के आते ही हमारे कंप्यूटर में वर्ड पैड भी आ जाता है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट पर हम जाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे वर्ड पैड लिखा हुआ है। यदि आप यहां से नहीं खोल पा रहे हैं, आपके कंप्यूटर यहां नहीं शो कर रहा है, तो आप यहां रन में जाएंगे और यहां लिखेंगे वर्ड पैड। वर्ड पैड लिख के जैसे आप एंटर करेंगे प्रोग्राम खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी नहीं खोल पा रहे हैं तो आप करना क्या है, कंप्यूटर में स्टार्ट में जाना है, आल प्रोग्राम में जाना है और एसेसरीज में जाना है। फिर यहां से आपको मिल जाएगा वर्ड पैड, आप यहां से खोल पाएंगे। अब वर्ड पैड खुलकर हमारे सामने आ गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है टाइटल बार, जहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट्स वर्ड पैड, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और इसके ठीक दाहिने तरफ तीन बटन बने होते हैं, मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन होता है, फिर रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन, और उसके बाद फिर क्लोज बटन। जब मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है एक बटन के प्रकार होकर यहाँ टास्क बार पर शो करता प्रदर्शित हो जाता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये टास्क बार पर आ गया। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये फिर से ऊपर आ जाता है। अगर हम इस पर रिस्टोर पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम हमारा आधी पट्टी पर आ जाएगा, प्रोग्राम हमारा आधी विंडो में आ जाएगा यहाँ से, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज होकर बंद हो जाएगा। और फिर अगर हम मैक्सिमाइज कर देते हैं तो पूरी स्क्रीन में ये भर जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पर किनारे दिया है क्विक एक्सेस बटन, यहाँ से आपको मिल जाएगा रिस्टोर, मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज, क्लोज मिल जाएगा। इसी के बगल में दिया है सेव बटन मिल जाएगा, यहाँ से आपको अंडू, रीडू, कट कॉपी मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे की पट्टी जो हमारी होती है यहाँ पर आपको न्यू मिलेगा, न्यू का प्रयोग होता है नई सादी फाइल को लाने के लिए, ओपन का प्रयोग जो पहले से बनाई फाइल में खोलने के लिए, सेव से हम सेव कर सकते हैं, सेव एज से हम दोबारा किसी नए नाम से सेव करके इसको फाइल को रख सकते हैं कंप्यूटर में, प्रिंट के द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं, कागज़ पर छाप सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, पेज सेटअप से पेज की सेटिंग बना सकते हैं, यहाँ से मेल सेंड कर सकते हैं और अबाउट वर्ड पैड के बारे में जान सकते हैं, वर्ड पैड है क्या, इसमें जो है सारी डिटेल्स की बन के आ जाएंगी। और यहाँ से एग्जिट बटन मिलता है, एग्जिट पर क्लिक करते हैं हमारा प्रोग्राम फिर से बंद हो जाएगा। तो जो कार्य क्लोज बटन करता है वही कार्य एग्जिट बटन भी करता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लिखा है होम और व्यू, ये इसे हम मेनू बार भी कहते हैं और ये हमारा होता है रिबन, इसको हम मेनू बार रिबन भी बोलते हैं। यहाँ से फिर नीचे की पट्टी जो दी गई है, यहाँ लिखा पेस्ट, कट कॉपी, अभी ये हाईलाइट नहीं है, हम यहाँ पर कुछ टाइपिंग करते हैं और लिखते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है, अब इसका आकार बड़ा करना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए करना क्या है कि माउस का बटन दबाना है और खींचते हुए सरकाते उधर चले जाना, दाहिने तरफ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यह काम आप यहाँ पर जाएंगे तो जैसे आप एरो देख पा रहे हैं कि माउस जैसे एरो बनते क्लिक करते तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से लिखा है कैलिब्री, जो इसका फॉन्ट साइज, यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट का नाम है, और यहाँ इसका हम आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, देख पा रहे हैं ये हमने इसका आकार यहाँ से बड़ा कर लिया। अभी कट कॉपी जो है डीएक्टिवेटेड है, पेस्ट भी डीएक्टिवेटेड है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे कट, कट कैंची लिखी बनी हुई है यहाँ पर, कट करते ही मैटर पूरा डिलीट हो जाएगा और पेस्ट करने के दौरान बन जाएगा, फिर पेस्ट करेंगे तो दो बार बना देगा। यदि हम इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, यह सेलेक्ट ऑल से सेलेक्ट करते हैं, अब इसे कॉपी कर लेते हैं तो देखते हैं कि टेक्स्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर हम पेस्ट करेंगे, जब जैसे इसके पेस्ट करते हैं तो उसके दोगुना टेक्स्ट हमारे सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद में दिया गया है यहाँ पर इसे फॉन्ट का साइज, यहाँ पर लिखा है 22 और इसका फॉन्ट स्टाइल एरियल ब्लैक है, यहाँ से एरियल नारो या तमाम सारे फॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं, इन सबसे यहाँ से इसको हम बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसका फॉन्ट यहाँ से हम आसानी से चेंज कर पाएंगे, देख पा रहे हैं। फिर यहाँ से इसका साइज 22, 24, 26 जैसा आप चाहें बदल सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर कंप्यूटर और लिख देते हैं, एक बार इसकी हम कंप्यूटर हेडिंग कर देते हैं और इसको डैश कर देते हैं। अब इसे हम अगर बोल्ड करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, बी पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा ऑलरेडी, ये जो है बोल्ड है पहले से पूरा। यहाँ से टेक्स्ट इसको हम जो है यहाँ से स्टाइल इसकी बदलेंगे, हम इसकी स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे। अब देख पा रहे हैं कि आप देख कंप्यूटर जो है बोल्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको हम तिरछा भी कर सकते हैं, इससे अंडरलाइन कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर एक लाइन खींच सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो हो जाता है, और इसको चाहे क्लिक करेंगे तो लाइन ही हट जाएगी। तो इस तरीके से इसको हम दे सकते हैं। अब कंप्यूटर जो लिखा है यहाँ पर एक हाईलाइटर होता है, इसकी मदद से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ये हाईलाइटर दिखाई दे रहा है यहाँ से, और फॉन्ट का साइज यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम मान लेते हैं कि स्क्वायर में अगर लिखना है कुछ तो यहाँ से इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और नीचे आ जाते हैं, H2O अगर हमें लिखना है,
और ऊपर लिखने के लिए फिर हमें इसके ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ से हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, तो ये काम आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम बीचों बीच में लेना चाहते हैं, तो यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट होता है, तो सेंटर करेंगे तो पूरा जो मैटर हमारा सेंटर हो जाएगा, यहाँ से राइट में चला जाएगा और जस्टिफाई से पूरे पेज में आसानी से भर जाएगा। यहाँ से भी आप टेक्स्ट का आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, ये साइज छोटा बड़ा होगा। यहाँ से इंडेंट कर सकते हैं लाइनों को, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इंडेंट पर हम क्लिक करते हैं, ये इंडेंट हो जाएगा इधर की तरफ। यहाँ से भी हम इंडेंट आसानी से कर सकते हैं। अब फिर यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम कोई बुलेट्स दे सकते हैं, ये बुलेट्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप आसानी से जो चाहें सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लाइनों के बीच की दूरी अगर हम चाहें तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से स्पेसिंग इनको हम जहाँ चाहें वहाँ आसानी से सेट कर सकते हैं। पिक्चर जो दिया गया है, फोटो लाने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से कोई हम इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से ये जो है फोटो हमारे सामने आ जाएगी, तो इस तरीके से मिटाना चाहें तो इसको डिलीट कर देंगे, मिट जाएगी। यदि यहाँ पर हम पेंटिंग ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ड्राइंग पेंटिंग के लिए आपको यहाँ बॉक्सेस मिल जाएंगे, यहाँ से आपको पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और जो भी ड्राइंग आप करना चाहते हैं आसानी से ड्राइंग्स को बना पाएंगे, यहाँ से सेट कर पाएंगे। ये ड्राइंग आप आसानी से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो है वर्डपैड के अंदर आपको मिलने वाला है, वर्डपैड में ये इस तरीके से सेट कर पाएंगे। इसमें अगर आपको पेंट चलाना पता है तो यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से एक वीडियो इसका पड़ा हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें पेंट कंप्लीट कोर्स में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी। और फिर यहाँ से हमें करना क्या है, डिजाइन बनाने के बाद में फिर हमें जाना है अपने वर्डपैड के पेज पर, और जैसे वर्डपैड के पेज पर जाएंगे देखेंगे कि डिजाइन जो हमने बनाई है यहाँ पर ये शो कर जाएगी। मिटाने के लिए से हम डिलीट दबा देंगे, मिट जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर दिया गया है डेट एंड टाइम, डेट और टाइम यहाँ ले सकते हैं आप, इसे आज 9 अक्टूबर 2023 है तो 9/10/2023 आ जाएगा। फिर यहाँ से टाइम चाहे तो नीचे टाइम भी दिया गया है, आप टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके आप टाइम जोड़ सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से कहीं अलग से कुछ बनाया गया इसे लाकर यहाँ आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी आपने पेंट में देखा कैसे ड्राइंग किया हमने, और वहाँ से इसी तरीके से आप यहाँ से किसी प्रोग्राम में डिजाइन कर सकते हैं। फाइंड दिया गया है, फाइंड के द्वारा किसी शब्द को अगर खोजना चाहें, जैसे हम खोजना चाहते हैं कि डाटा कहाँ लिखा हुआ है, तो डाटा यहाँ लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये बता रहा है कि डाटा यहाँ है, जहाँ जहाँ लिखा हुआ डाटा उसको खोज कर हमारे सामने ला देगा। अब कह रहा है कि कहीं भी नहीं है, सर्चिंग फिनिश हो गई है। और यदि आप बदलना चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं, डाटा लिखा हुआ है इसको बदल कर आप सीपीयू करना चाहते हैं तो यहाँ इसको सीपीयू करेंगे। अब हम रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने से डाटा लिखा है वो बदल बदल के सीपीयू होता जा रहा है। अब यहाँ पर कहीं भी आपको डाटा नहीं मिलेगा, डाटा की जगह पर सीपीयू हो गया है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सीपीयू लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से, सेलेक्ट आल से सेलेक्ट होता है और इस पर जो भी नियम हम लगाएंगे पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मान लिया इसको हम डिलीट कर देते हैं, पूरा टेक्स्ट हमारा डिलीट हो गया है, तो यहाँ आपको अंडू ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे सारा टेक्स्ट हमारा वापस आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा और यहाँ से फिर हट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं अंडू और रीडू ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट आल करेंगे और हम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे तब भी ये मिट जाएगा। तो इस तरीके से वर्डपैड के अंदर आप काम कर सकते हैं। फिर व्यू में आएंगे तो यहाँ जूम दिया गया है, यहाँ से जूम आउट ये छोटा कर देगा और जूम इनसे बड़ा कर देगा। तो कितना जूम आपको लेना है, यहाँ से रूलर हट जाएगी लगाना, तो रूलर आपकी आ जा रही है। स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं नीचे स्टेटस बार हट जाता है, क्लिक करते हैं तो नीचे शो करने लगता है। यहाँ से आप टेक्स्ट रैप दिया गया है, नो रैपिंग कर देंगे तो इस तरीके पेज दिखाएगा, रैप टू विंडो, विंडो में सेट कर देगा ये। और यहाँ से फिर इसको हम कर देते हैं रैप टू रूलर, तो रूलर के हिसाब से हमारा पेज यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि होम, होम के पूरे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कट कॉपी पेस्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट का साइज स्टाइल सारी चीज़ यहाँ पे वर्डपैड में दी गई हैं। और यहाँ से व्यू ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको अगर रूलर लाना तो टिक हटा देंगे, टिक कैसे हटे क्लिक करेंगे टिक हट जाएगा, फिर क्लिक करेंगे टिक हटते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से सरलतापूर्वक वर्डपैड में कार्य कर सकते हैं, कोई भी काम करना चाहें तो आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। ये था वर्डपैड का पूरा इंट्रोडक्शन, कैसे हम इसके अंदर काम करते हैं, कैसे इसके अंदर हम कमांड देते हैं, कैसे ऑप्शनों को सेट करते हैं। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।